नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के करीब 20 से 22 श्रद्धालु जन्माष्टमी के मौके पर गोगा मेडी में ढोक लगाने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान एक भीषण सड़क घटना का मामला देखने को मिल रहा है। दरअसल हरियाणा भिवाड़ी के मुंडाल ओवरब्रिज के नजदीक एक बस ने लोडिंग टेम्पो में भिड़ंत कर दी और टेम्पो में सवार राजस्थान के परिवार के 4 सदस्यों को मृत घोषित कर दिया है। मृतकों में एक युवती और 3 पुरुष शामिल है और इसके साथ ही 16 अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं। कि सभी का इलाज हिसार, हांसी और भिवाड़ी के कई अस्पतालों में चल रहा है। मुंडाल कला चौकी पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार राजस्थान के धौलपुर जिला के गांव बसई निवासी राम सेवक उर्फ राम सिंह बेटी 16 वर्षीय काजल और उनका रिश्तेदार कासगंज राजस्थान निवासी 38 वर्षीय राजेंद्र, उनके रिश्तेदार आगरा निवासी 50 वर्षीय गुड्डी सहित करीब 20 से 25 सदस्य हैं जो लोडिंग टेम्पो में सवार होकर गोगा मेडी पर ढोक लगाने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 1 बजे भिवाड़ी के कस्बा मुंडाल ओवरब्रिज पर पीछे से आई एक तेज रफ्तार बस ने ही टेम्पो को भिड़ंत कर दी थी, जिसके दौरान बताया जा रहा है कि बड़ी घटना को अंजाम मिला है और इसमें 4 जनों को मृत घोषित कर दिया है और 16 जनों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जन्माष्टमी के मौके पर पूरे गाँव में गम का माहौल है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।